राम राम जी सारा ने कैसे भाई हरीना पंगाल भी बहुत बहुत स्वागत करूँ आपका फिर एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, माता रानी सभी के घर में सुख शांति दे, बरकत दे, सभी की फैमिली को अच्छे से रखे, सर्दी से बचा के रखे, यही भाई हम प्रार्थना करते हैं। और आप भी देख सको पीछे हाथ, मतलब इतनी ज़बरदस्त धुंध है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जिसने कहा ना कसूत की सर्दी, तो वो सोले कसूती सर्दी पड़ रही है आज। और मैं भाई छत पे आ गई थी घूमने के लिए, भाई आज मैं बाहर नहीं गई। क्यों? क्योंकि भाई ना सर्दी होने लगी ज़्यादा, दो दिन हो भाई धुंध ज़्यादा है। और छोटी बच्ची भाई पंछी छोटी अभी, तो उसको वैसे भी थोड़ा तबीयत डाउन चल रही, तो मैं जाती नहीं। दो तीन दिन से मैं अपना यहीं पे उधर से लेकर यहाँ तक यहीं राउंड लगा लेती हूँ अपनी छत पे, यहीं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और भाई एक रीजन हो रहा है उसका, क्योंकि भाई अब होने लगे धुंध और जो सड़क है ना भाई वहाँ पर मतलब कुछ ना दिखे। तो भाई आजकल वैसे टाइम है बहुत ख़राब, पता नहीं भाई किसका कौन भाई गाड़ी गुड्डी में गिर ला जाए धक्का धुक्का मार के। आजकल वैसे ही बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैं देखो कपड़े को भी बर्तन दो थी और आ रही मतलब शरारत करे इसमें बार बार पानी बूंद दे है और मैं इसने धमका रही हूँ। रुको भाई रूस को खड़ा है, रूस ना देख लियो कैसे रूस आ रही माने को ना कत्ती नहीं माने। मैं कह रही पानी मत हाथ दे ठंड लग जाएगी, नहीं माने नहीं कत्ती। मन नहीं पानी में छेड़ करे है गंदो बच्चो। गुड मॉर्निंग करते नहीं। देख ठंडे हाथ हैं, कति चिल्ड हाथ हो रहे हैं इसके, बिल्कुल एकदम ठंडे। देखो बिल्कुल मान नहीं रहा, मेरी गैल गैल घूम रहा है। Yeah.
जी, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब मेंबर हैं, तो भाई मैं आज उनके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। भाई आप अगर किसी भी शरीर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी से आप ग्रस्त है और आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश में हैं, तो आज मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ आपको। तो भाई डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी काफ़ी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, आपको लकवा है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, या आपको भाई एडी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और भाई किसी के अगर घुटने बदलने के बाद आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो उनके पास भी CPM मशीन के द्वारा घुटनों की भी फिजियोथेरेपी की जाती है। तो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका सारा एड्रेस डाल दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हो। जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सके, उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और भाई जो मैडम है वो भी काफ़ी बहुत अच्छी है, मतलब नेचर भी उनका बहुत अच्छा है, और भाई फिजियोथेरेपी के साथ साथ भी एक्सरसाइज भी कराती है, तो भाई काफ़ी अच्छा जल्दी रिजल्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है देखने को आपको। और भाई आप मुझे भी देख सकते हो, मैंने भी काफ़ी अपना टाइम बर्बाद कर दिया था, कभी रोहतक कहीं भी रेवाड़ी, एक महीना रेवाड़ी बंद बर्बाद कर दिया, काफ़ी टाइम मैंने रोहतक भी ख़राब कर दिया, तो मेरा कहीं से ही कोई अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसके बाद भी मुझे पता चला, तो भाई वहाँ पे गए, वहाँ पे मुझे एक महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी उस टाइम किसी कंडीशन थी, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती थी, और सीधे ऐसे लेटा रहना पड़ता था मुझे। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो मैं डांस वांस सारी चीज़ें मैं एकदम परफेक्ट करती हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ मैं एकदम। तो भाई अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप इनसे जाके संपर्क करें। और सबसे अच्छी बात एक और है कि भाई आप मान लो ज़्यादा ही आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चल उठ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो ये घर पर भी आकर आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल करा सकती हैं, ये मतलब घर पे भी विजिट करती हैं और घर पे भी आके आपके फिजियोथेरेपी करेंगी। तो भाई आप नीचे दे दिए स्क्रीन पे दिखाए गए जो नंबर है उन पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो और अपने अच्छे से फिजियोथेरेपी करा सकते हो, अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। छोड़े रखो इसमें, जल्दी जल्दी रखो, सब्जी बनाऊंगी। मैं पीट दूंगी। A for apple. वो बोलो जो दीदी पढ़ा रही है उसको पढ़ दो। बोलो ए एलिफेंट है। पहला वो पढ़ लो। अच्छा प्याज का आनू, प्याज ये क्या था? आनू भी का वो भी का वो भी का आप बताओ वो भी का इनमें ढूंढो इनमें पर आगे। अच्छा प्याज है इनमें। एच फॉर हॉर्स का है। हॉर्स बताओ कहाँ है, हॉर्स बताओ इसमें कहाँ है, यहाँ यहाँ पे देखो हॉर्स कहाँ है बताओ, यहाँ पे देखो हॉर्स कहाँ, बताओ कहाँ है। वेरी गुड। ए फॉर एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है, एप्पल ये रहा, हैंड लगा के बताओ फिंगर से कहाँ है, फिंगर से बताओ ये रहा एप्पल। ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज हिला कहाँ है बताना फिंगर लगा के, फिंगर लगा के ऑरेंज ये रहा। ग्रेप्स कहाँ है, ग्रेप्स। आर्यन की पढ़ाई चल रही है, देखो भाई आर्यन को ना देखते हैं भी बॉडी पार्ट कितने पते हैं, बताओ आइज कहाँ अनु की, आइज ये रही। नोज कहाँ है, नोज ये रही। टिट कहाँ अनु के, ये रे। चिन कहाँ है, चिन ये चिन।
और टंग का अनु की टंग टंग और ईयर कानू के ईयर कानू ये रे ओ अंदर है ये। फिंगर कानू की फिंगर फिंगर ये री कहाँ पे ये री नेल्स का नेल्स का मैंने नेल्स का आपके का ये रे मेरे लेग ये री कहाँ है लेग ये री ये लेग है अच्छा टम्मी कानू की ये स्टमक स्टमक इसको टम्मी आता है अभी छोटा बच्चा है ना ये मेरा नमक नमक पंछी वही हो गया रही है अक्षोमच का पंछी आर्यन का तनु कह मेरा नमक ऐसे बोलो क्या बोलते हैं स्टोमच स्टोमच की पोटी हट चुगले मेरे वाली है रे हेयर बोलते हैं हेयर हेयर हेड का अनु का हेड ये हेड हैंड हैंड है ये हैंड क्या है हैंड हैंड क्या हैंड ये रे अनु के हैंड ये रे बॉडी पार्ट तो भाई इसने पता है सारा बता दे है ये फॉर एप्पल ये भी बहुत सब कई बता दे है कादे भूल जा है लेकिन वो है बताओ जब बकवास करी जाओ है कर बताओ कौन जल्दी से फॉर एप्पल एप्पल वर्ड एप्पल बी फॉर बॉल बी फॉर कैट सी फॉर कैट बी फॉर डोर डी फॉर डॉग डी फॉर डॉग E for elephant. E for elephant. F for fish. F for G for grill. G for grapes. G for grapes. H for horse. F for horse. लग रहा क्या? मैं भी इसको पढ़ा रही हूँ आज पर हॉर्स मेरे सर पे घेर रखा है बच्ची यो देखे भाई बदेका मेरे सर पे घेर रखा धरी हूँ मैं यो तार पे सूखा था मेरे सर पे लटक गया बनी देखा कैमरे में और भी मैं आर्यन से कह रहा हूँ एच फोर हॉर्स तो आर्यन का है एच फोर हॉर्स के पोटी लग रही है उल्टी बात करे है सारी बताओ देखते चलेंगे उल्टी थैंक यू सर।